Hey everyone, thanks for clicking on the video, and here is the beautiful Mercedes S320. It's a 1994 model. And सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से. तो फ्रंट में हमें बॉक्सी स्टाइल के हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिसके साथ ही वाइपर्स हैं. कुछ इस तरह से दिखती है मर्सिडीज़ S320 फ्रॉम द फ्रंट. एंड नाउ लेट्स मूव टू द अदर साइड. कुछ इस तरह से दिखती है साइड प्रोफाइल हमें इस कार की. काफ़ी अच्छा व्हील बेस मिल जाता है. डेट इज़ द 3040 mm ऑफ व्हील बेस विद अ कर्ब वेट ऑफ 1880 kg. नाउ मूविंग टू द रियर साइड. कुछ इस तरह से रियर व्यू दिखता है हमें कार का. इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको कैसे लगती है. स्केरी एंड बॉक्सी डिज़ाइन की टेल लाइट्स मिल जाती है हमें इसमें. मर्सिडीज का लोगो, S320 की बैजिंग एंड बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें इसमें. यू कैन ओपन द बूट स्पेस बाय प्रेसिंग दिस बटन. काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हैं. एंड पीछे बूट टेलगेट पर हमें वार्निंग साइन भी मिल जाता है. तो कुछ इस तरह से रियर साइड है कार की. कुछ इस तरह से दिखती है रियर से. एंड दिस इज़ द रियर साइड प्रोफाइल ऑफ द कार. बॉडी कलर, डोर हैंडल्स अवेलेबल नहीं होते इस मॉडल में, ब्लैक कलर के आते हैं. टायर की साइज़ की बात करूँ तो 235/60 R16 inches के टायर्स अवेलेबल हैं इसमें. ओरिजिनल कंपनी का 16 inches का अलॉय व्हील मिलता है हमें इसमें. बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं. सो अब इंटीरियर चेक करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं को ड्राइवर साइड सीट पर कि कैसा इंटीरियर दिखता है वहाँ से. एंड व्हाट आर द फीचर्स फॉर को ड्राइवर सीट्स. सो ये है हमारा पैनल, डोर पैनल, जिसमें नीचे हमें एक डोर लाइट मिल जाती है. उसके साथ ही हमें दो स्पीकर्स अवेलेबल हैं. एंड कुछ इस तरह से दिखता है हमारा डोर पैनल. अब सीट की बात करूँ तो सीट हमें इसमें मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है को ड्राइवर साइड. सो दिस इज़ द इंटीरियर. सेंटर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं हमें. कुछ इस तरह से इंटीरियर दिखता है. ऊपर हमें रीडिंग लाइट्स के साथ साथ सनरूफ के भी कंट्रोल्स मिलते हैं, एज यू कैन सी. एंड दिस इज़ दी सनशेड विद वैनिटी मिरर. वैनिटी मिरर में लाइट्स भी अवेलेबल हैं. एंड दिस इज़ दी सनरूफ. तो अब चलते हैं हम रियर सीट्स पर, वहाँ पर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है ये चेक करने के लिए. तो सबसे पहले डोर पैनल पर हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. उसके साथ ही पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. लेग स्पेस भी काफ़ी इनफ है पीछे रियर सीट्स के लिए. एंड उसके साथ ही ऊपर हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है रियर पैसेंजर्स के लिए. बोथ साइड्स पर वैनिटी मिरर अवेलेबल है. एंड कुछ इस तरह से इंटीरियर दिखता है मर्सिडीज़ S320 का, आप देख पा रहे होंगे. एंड उसके साथ ही क्वार्टर पैनल पर हमें रीडिंग लाइट्स मिल जाती है. बोथ साइड्स पर रीडिंग लाइट्स अवेलेबल है क्वार्टर पैनल पे पैसेंजर्स के लिए, आप देख सकते हैं. एंड उसके पीछे हमें फर्स्ट एड किट मिल जाती है. उसी के साथ हमें पीछे 4 speakers मिल जाते हैं फॉर द साउंड सिस्टम. और अब हम चलते हैं ड्राइवर साइड सीट पर एंड एक छोटी सी ड्राइव कर देखते हैं कैसे चलती है ये कार. तो ड्राइवर साइड का डोर खोलने पर डोर पैनल पर हमें मेमोरी सीट्स के फंक्शंस मिल जाते हैं. 2 speakers मिल जाते हैं और उसी के नीचे हमें डोर लाइट मिल जाती है, आप देख पा रहे होंगे. मर्सिडीज बेंज की स्कफ प्लेट लगी हुई है. अब इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर पर हमें बॉक्सी डिज़ाइन के एसी वेंट्स मिल जाते हैं. उसी के नीचे एयर फ्लो कंट्रोल्स मिल जाते हैं. उनके नीचे लॉक अनलॉक हैजार्ड लाइट स्विचेस मिल जाते हैं. उसी के नीचे एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं हमें. सोनी का स्टीरियो अवेलेबल है. एक आर्मरेस्ट है सेंटर पर. पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड ऑल ये सभी हमें सेंट्रल कंसोल पर मिल जाते हैं. उसी के साथ अब मैं आपको कार स्टार्ट कर दिखाता हूँ कि कैसी ये कार स्टार्ट होती है. आप देख पा रहे हैं मैंने कार स्टार्ट करी है और ऐसी कोई नॉइस नहीं आई कार से कि ऐसा लगे कि हाँ काफ़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है. पहली सेल्फ पे काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है.
आप देख पा रहे हैं इन नॉब्स को, यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स एज वेल एज वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और उसी के ऊपर हमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। स्पीडोमीटर पर भी हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं देखने को। अब हम एक छोटी सी रन कर कर देखते हैं कि कार कैसे चलती है। तो ये मैंने ड्राइव मोड पर कर लिया इसको, काफ़ी अच्छा रन कर रही है ये। ऐसा सच फीलिंग कोई नहीं आ रही कि मैं काफ़ी ओल्ड कार चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, काफ़ी स्मूथ चल रही है कार। कोई टायर से नॉइस नहीं आ रही, कोई इंजन से अनवांटेड नॉइस नहीं आ रही, किसी बेल्ट की या फिर किसी शाफ्ट की, काफ़ी अच्छी चल रही है। आप देख पा रहे हैं मैंने रिवर्स भी करके देख ली, कोई रिवर्स करते वक्त स्टेयरिंग साउंड आती हो या कोई भी साउंड नहीं है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है अभी भी ये कार। गाने पर भी काफ़ी अच्छा थ्रोटल ले रही है ये कार, एज मैंने पैडल प्रेस ही किया था। अब साइड मिरर्स की बात करूँ तो इसमें हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिटेक्टेबल साइड मिरर मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। एंड पावर विंडो की बात करूँ तो अभी तक इस कार की सभी पावर विंडो चल रही है, ऐसी सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आफ्टर 8 to 10 ईयर्स की पावर विंडो ख़राब हो जाती है कार्स की। इसकी पावर विंडो अभी तक अच्छे से रन कर रही है, आप देख पा रहे होंगे। और एक स्पेशल चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसकी जो विंडशील्ड है एज वेल एज विंडोज़ है वो सभी के सभी बुलेट प्रूफ है, आप देख पा रहे होंगे। ग्लास की थिकनेस काफ़ी थिक ग्लास दिया गया है इसमें, दे ऑल आर बुलेट प्रूफ ग्लासेस। तो अब हम चलते हैं इंजन बे की तरफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन पार्ट, सो दिस कार इज़ पावर्ड बाई अ 3.2 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट 228 BHP ऑफ पावर एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क, एंड दिस इज़ अ रियल व्हील ड्राइव कार विद अ 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। काफ़ी अच्छा इंजन है इसमें एंड काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन भी दिया गया है, जिससे कार काफ़ी स्मूथ रन कर रही है अभी भी। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड हेयर इज़ अ शॉर्ट सिनेमेटिक वीडियो, होप यू लाइक इट। Thank you for watching this video and please do like, comment and share my video and don't forget to subscribe my channel.